यूएई में पाकिस्तानियों के लिए पुरकशिश नौकरियां उनकी मुंतजर रहती हैं। इन दिनों भी शोबिज़ और एंटरटेनमेंट से मुतालिक वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। यूएई में पाकिस्तानी ड्राइवरों की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन इससे पहले हर पाकिस्तानी को ये जान लेना चाहिए कि यूएई हो या सिर्फ दुबई, उन्हें एक टैक्सी ड्राइवर बनने के कवायद पर अमल करना होगा। दुबई में एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करने के लिए तारकीन वतनों के दरमियान एक बहुत ज्यादा मेहनत का काम है। दुबई में एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करना एक बहुत ज्यादा मेहनत तलब काम है। टैक्सी ड्राइविंग के साथ वापस घर भेजने के लिए मकूल उजरत कमाना बहुत से लोगों का मकसद है। जनूबी एशिया के टैक्सी ड्राइवरों, खासतौर पर पाकिस्तानी ड्राइवर्स ने इस मौके का फायदा उठाया और टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम किया। दुबई में टैक्सी ड्राइविंग करने के लिए कुछ शराइत है जिनका पूरा करना लाजमी है। अहम तरीन बात यह है कि दुबई में एक टैक्सी ड्राइवर के तौर पर काम करने के बहुत ज्यादा शराइत नहीं है, लेकिन दुबई में एक निजी कार का इस्तेमाल गैर कानूनी है। ड्राइविंग और ट्रैफिक के कानून को तोड़ना बहुत ज्यादा जुर्माने का सबब भी बन सकता है, इसलिए जरूरी है कि सरकारी तौर पर मंजूर कंपनियों के साथ मिलकर ही टैक्सी ड्राइविंग के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाए। ये उन कंपनियों का काम है कि वो मुंतखब करें, ट्रेन करें और बाद में दुबई की सड़कों पर टैक्सी ड्राइवरों को तायुन करें। आतिया ने इन कंपनियों को कारोबार के लिए मंजूरी दी है। दुबई में अच्छी टैक्सी कंपनियों में शामिल होना बहुत जरूरी है। ऐसी कंपनियों की मिसालें अरब टैक्सी, दुबई टैक्सी वगैरह हैं। उबर और करीम जैसी इंटरनेशनल टैक्सी सर्विसेज भी दुबई में रजिस्टर्ड टैक्सी कंपनीज हैं। इस रजिस्ट्रेशन के तरीकेकार की सबसे वाजह शर्त मुतहदा अरब अमारात का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है। एक बार जब आप ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं, अगला मरहला मुनासिब कंपनी में रजिस्टर्ड करना है। आपकी उम्र 21 साल या इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। आपको एक जाती कार की जरूरत नहीं है, आप इस कंपनी की कार भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। इसका तरीका कार क्या है ये भी आपको बताते हैं। मुतहदा अरब अमारात में कंपनियों को रजिस्ट्रेशन के आरटीए मंजूर शुदा तरीकेकार पर अमल करना होगा। आरटीए के कवायद और जवाबित ऐसे हैं जो यकीनी बनाते हैं कि टैक्सी सर्विसेज के ग्राहकों को उनमें बेहतरीन और सबसे महफूज तजुर्बा हासिल हो। लिहाजा कंपनियों को आरटीए के साथ मिलकर अच्छे दरख्वास्त दहिंदगान का तायुन करना होता है। दरख्वास्त दहिंदगान को अपने मुतहदा अरब अमारात के ड्राइविंग लाइसेंस जमा करने की जरूरत होती है। उन्हें मुतहदा अरब अमारात में रिहाइश का सबूत फराहम करने की भी जरूरत है। एक अमारात आईडी भी काम कर सकती है। इसके अलावा गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेजात और उसकी बीमा भी जमा कराना जरूरी है। उबर के लिए दरख्वास्त दहिंदगान को एक वीडियो भेजने और ऑनलाइन स्क्रीनिंग को भरने की भी जरूरत है। ये यकीनी बनाता है कि दरख्वास्त दहिंदगान का कोई मुजरमाना रिकॉर्ड तो नहीं है। स्क्रीनिंग और इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद दरख्वास्त दहिंदगान टैक्सी सर्विसिंग ऐप पर लॉग इन कर सकते हैं। ड्राइवर फौरी तौर पर मुसाफिरों को लेकर सफर शुरू कर सकते हैं और सर्विस के फी घंटा 30 से 50 दिरहम तक कमा सकते हैं। इस वक्त दुबई में सबसे ज्यादा कमाने वाले ड्राइवरों में पाकिस्तानी शामिल हैं और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है।